हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फॉर्म 10IEA के बारे में कि फॉर्म 10IEA किसके लिए एप्लीकेबल है, कौन पर्सन इसको फाइल कर सकता है, कौन पर्सन इसको फाइल नहीं कर सकता है और ये फॉर्म आपको कैसे फाइल करना है। तो फॉर्म को समझने से पहले हम सेक्शन 115BAC को समझेंगे कि सेक्शन 115BAC क्या बोलता है। तो सेक्शन 115BAC जो है वो आपके न्यू टैक्स रिजीम की बात करता है, यानी कि आपकी जो न्यू टैक्स रिजीम है वो असेसमेंट ईयर 24-25 से बाय डिफॉल्ट रहनी है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो आपको ड्यू डेट से पहले एक फॉर्म जो है वो फाइल करना पड़ेगा और आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम लेना चाहते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इंडिविजुअल के केस में 31 जुलाई और टैक्स ऑडिट के केस में 31 अक्टूबर लास्ट डेट है आपके फॉर्म 10IEA फाइल करने की। यदि आप उस ड्यू डेट के बाद फॉर्म फाइल करते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते हैं और देन आपके ऊपर जो न्यू टैक्स रिजीम है वो आपके ऊपर बाय डिफॉल्ट रहेगी और आपके टैक्स की कैलकुलेशन भी न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही की जाएगी। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो फॉर्म 10IEA है वो केवल ITR 3 और ITR 4 के केस में ही एप्लीकेबल होगा। फॉर्म 10IEA तभी फाइल करना है यदि आपके बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है। तो चलिए देखते हैं आपको फॉर्म 10IEA कैसे फाइल करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको ये फॉर्म कैसे फाइल करना है। फर्स्ट आपको लॉगिन करना है incometax.gov.in की साइट पे, देन आपको ई फाइल में जाना है एंड देन आपको इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है। वहाँ सबसे ऊपर ही ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा पर्सन विद बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ फर्स्ट फॉर्म है फॉर्म 10IEA जो आप सेलेक्ट करेंगे अगर आपके बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है। देन जैसे ही आप फॉर्म ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 115BAC और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर द प्रोविजो टू सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 115BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ जाके आपको लेट्स गेट स्टार्ट करना है। जब आप ये ऑप्शन चूज करेंगे तो देन आपके पास स्क्रीन पे ये जो है ऑप्शन अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको दे रखा है एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज एंड withdrawal of option under section 115BAC of the income tax act 1961। यहाँ पे आपका पैन नंबर आ जाएगा, ओरिजिनल टाइप आ जाएगा फाइलिंग का, देन आपका जो सबमिशन मोड है वो आ जाएगा, आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ये विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में आपको क्या बता रखा है, एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 115BAC और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर द प्रोविजो टू सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 115BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट, डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। यदि आपकी PGBP से कोई इनकम है तो आपको यस करना है और नहीं है तो आपको नो करना है। यदि फर्स्ट ऑप्शन में आप नो सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिक ये लिखा हुआ आ जाएगा कि इन केस ऑफ नॉन बिजनेस केसेस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज विद द रिटर्न ऑफ इनकम। यानी कि अगर आपके बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो आप ITR फाइल करते समय ही ये ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है, ड्यू डेट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इज। अब यहाँ पे इस साल के ITR में एक चेंजेस किया गया है कि जब आप ITR फाइल करेंगे तो आप पे कौन सी ड्यू डेट एप्लीकेबल होती है वो भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप इंडिविजुअल है तो उस केस में आपके ऊपर 31 जुलाई, अगर आप पे टैक्स ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं तो उस केस में 31 अक्टूबर और यदि आप ट्रांसफर प्राइसिंग के केस है तो उस केस में 30 नवंबर जो है वो आपकी ड्यू डेट रहेगी। तो यहाँ पे आप पे जो भी ड्यू डेट एप्लीकेबल होती है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अगर आपको ड्यू डेट पता नहीं है तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दे रखा है, प्लीज रेफर टू एक्सप्लेन टू सेक्शन 139(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, प्लीज रेफर टू द हेल्प डॉक्यूमेंट। आप इस हेल्प डॉक्यूमेंट में जाके भी ड्यू डेट जो है उसका पता लगा सकते हैं। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो देन आपके पास एक कंफर्मेशन जो है उसका मैसेज आ जाएगा कि एक बार आप ये फॉर्म फाइल करने के बाद इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते। यदि गलती से आपने ये फॉर्म फाइल कर दिया है तो ना तो आप चेंज कर सकते और ना विड्रॉल कर सकते। तो जब भी आप ये फॉर्म फाइल करने बैठे बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी से और बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो आपको एक ही बार अवेलेबल है लाइफ में। एक बार अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में चले गए तो फिर आप न्यू टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे शेयर का बटन दे रखा है, आप अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।